नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी टिप लेकर आई हूँ जो हर लेडीज के लिए बहुत यूजफुल है। हमारे घर में कुछ ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो हमारे लिए सिर दर्द बन जाते हैं और हम पूरे सप्ताह या फिर महीने भर पहले से ही प्लानिंग करते हैं कि हमें ये काम करना है। तो उसी के लिए हमारी ये टिप है, हर लेडीज के लिए या घर में काम करने वाले सभी के लिए बहुत यूजफुल है। तो इसके लिए हमें चाहिए मोजा। मोजा यानी कि सॉक्स। कोई भी सॉक्स आप ले सकती हैं, बच्चों का, बड़ों का, फटा हुआ, पुराना, एक पेयर या फिर अलग अलग भी ले सकती हैं। आपके पास दो सॉक्स है तो दो लीजिए, चार है तो चार भी ले सकती हैं। तो मैं भी यहाँ पर दो सॉक्स ली हूँ। अब हमें चाहिए वाइपर। वाइपर हम सभी के घरों में होता है, तो सॉक्स को हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे। एक सॉक्स इधर से और एक इधर से। आपके पास दो सॉक्स और है तो एक एक करके और चढ़ा दीजिए, तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। नहीं है तो सिर्फ दो ही, जैसे मैं चढ़ाई हूँ, इस तरह से चढ़ा दीजिए। अब इस सॉक्स और वाइपर से आप मिनटों में पूरे घर में पोछा लगाकर घर को साफ सुथरा कर सकती हैं। ये वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो आज हम यहाँ पर घर में पोछा लगाने वाले नहीं हैं, आज हम इसे करेंगे अपने किचन और बाथरूम के टाइल्स की सफाई। जब भी हमें बाथरूम या किचन के टाइल्स को साफ करना होता है तो काफी लंबी प्लानिंग करते हैं। कई दिन पहले से ही हम घर में बता देते हैं कि आज मुझे ये सफाई करनी है और उस दिन हम एक्स्ट्रा काम भी लेकर नहीं बैठते हैं क्योंकि इसमें काफी समय लग जाता है। तो इस तरह से आप वाइपर और सॉक्स की मदद से बस कुछ देर में ही अपने किचन के टाइल्स को और लैट्रिन बाथरूम के टाइल्स को बहुत अच्छे से साफ कर सकती हैं, बस कुछ देर में ही चमका सकती हैं। तो ऐसे आप टाइल्स के ऊपर पानी डालिए या सर्फ का घोल डालती हैं या जिस भी तरह से आप टाइल्स को साफ करती हैं उसको डालिए और फिर वाइपर से इस तरह से रगड़ते हुए साफ कर लीजिए। वाइपर इतना लंबा होता है कि आपको इसके लिए कुछ भी स्टूल वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर मग्गे से पानी डाल रही हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पाइप से पानी डालिए और एक हाथ से पानी डालते रहिए, दूसरे हाथ से इस तरह से वाइपर चलाते हुए टाइल्स को साफ कर लीजिए। आप चाहे तो साबुन सर्फ का जो भी घोल आप लगाती हैं वो भी सॉक्स में लगा दीजिए और उससे टाइल्स को अच्छे से रगड़ते हुए साफ कर लीजिए। फिर पाइप डालकर वाइपर और सॉक्स से ही टाइल्स को धूल भी दीजिए। तो इस तरह से आप सारे टाइल्स की सफाई बस मिनटों में ही कर सकती हैं। है ना कमाल की टिप। मैं आज आपके साथ बस एक ही टिप शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये यूजफुल टिप बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है।